नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएसआर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ जया हमीदिया। आइए नजर डालते हैं सुपर सेवन खबरों पर। हैदराबाद रेप केस में पीड़िता को मिला न्याय। जिस फ्लाईओवर के नीचे जिंदा जलाई गई थी डॉक्टर, ठीक उसी जगह पुलिस एनकाउंटर में मारे गए चारों आरोपी। मुंबई से सामने आया रूह कपा देने वाला मामला। कांदिवली में नवजात बच्ची को फेंका 21वीं मंजिल से नीचे, हुई मौत। कुछ घंटों पहले ही हुआ था बच्ची का जन्म। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में फिर बढ़ा प्रदूषण का स्तर। 11 दिनों बाद गुरुवार को 300 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के जहांगीरपुर, रोहिणी और नेहरू नगर जैसे इलाकों की स्थिति ज्यादा खराब। महिला सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। देश भर के थानों में बनेगी महिला डेस्क। गृह मंत्रालय ने निर्भया फंड से किए 100 करोड़ रुपए आवंटित। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जाएगी यह योजना। आरोपियों के एनकाउंटर के बाद भी जारी रहेगा महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति जयहिंद का अनशन। की जा रही 16 दिसंबर तक निर्भया के दोषियों को फांसी देने की मांग। समर्थन में सैकड़ों महिलाएं, युवतियां और स्कूली छात्राएं शामिल। महाराष्ट्र सिंचाई घोटाले में महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार को मिली बड़ी राहत। घोटाले के 17 मामलों में मिली क्लीन चिट। भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो बॉम्बे हाईकोर्ट में क्लीन चिट को लेकर दायर किया हलफनामा। गुरुवार को नुकसान में रहा शेयर बाजार। 71 अंक गिरकर 40,779 पर रहा सेंसेक्स। वहीं 25 पॉइंट नीचे जाकर 12,018 पर बंद हुआ निफ्टी। सुपर सेवन खबरों में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए जेएसआर टाइम्स।